गाइस अगर आपका बजट है 5000 रुपए और आप ढूंढ रहे हैं एंड्रॉइड 4G मोबाइल, सो इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसे 3 एंड्रॉइड मोबाइल बताएंगे जो कि एंड्रॉइड हैं, टच स्क्रीन हैं और आपको सभी बेसिक फीचर्स के साथ देखने को मिलने वाले हैं। सो अगर आप 5000 रुपए की कीमत के अंदर 4G मोबाइल ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सारा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस लिस्ट के अंदर मैं आपको फोन बताऊंगा, इनका प्राइस तो 5000 रुपए के आसपास ही है बट इनके अंदर आपको थोड़े फीचर्स कम देखने को मिल सकते हैं, बट आपको इनके अंदर सभी फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। सो जो इन लिस्ट के अंदर पहला मोबाइल है वो है नोकिया 1। गाइस नोकिया 1 भी काफ़ी अच्छा मोबाइल है और इस मोबाइल का जो प्राइस है वो आपको 4500 रुपये से लेकर 5000 रुपये की कीमत के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। मोबाइल के अंदर आपको 1GB की रैम देखने को मिल जाती है और 8GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, तो कीमत कम होने के कारण इसके फीचर्स भी आपको कम ही देखने को मिलने वाले हैं। तो 4.5 इंच की एक डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, 2150mAh की बैटरी भी आपको देखने को मिल जाती है। जो इसका रेयर कैमरा है यानी बैक कैमरा वो आपको 5MP का देखने को मिलता है और जो इसका फ्रंट कैमरा है वो आपको 2MP का देखने को मिलता है। गाइस इसका प्राइस कम होने की वजह से इसके फीचर्स भी काफ़ी कम हैं, बट अगर आपका यूज सिर्फ इतना ही है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं क्योंकि तो सिर्फ इसका प्राइस 4500 रुपये से लेकर 5000 रुपये के बीच में ही है। गाइस एक 4G मोबाइल है और टच स्क्रीन के साथ आपको देखने को मिलता है, आप इसकी स्टोरेज को 128GB तक मेमोरी कार्ड डालकर एक्सपेंड कर सकते हो। इसके साथ आपको मीडिया टेक का MT6737 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, सो एक नॉर्मल सा मोबाइल है और बाकी के जो सभी फोन के अंदर फीचर आते हैं वो सभी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, वाईफाई, हॉटस्पॉट, FM रेडियो। लिस्ट के जो नेक्स्ट मोबाइल है वो है Redmi Go। इसका प्राइस भी आपको 4500 रुपये से लेकर 5000 रुपये के अंदर पड़ जाएगा। ये आपको एंड्रॉइड के लाइट वर्जन के अंदर देखने को मिलता है, सो इसके लिए जो आप एप्स को डाउनलोड करोगे उनका भी आपको लाइट वर्जन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। 8GB की स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है और 16GB का वेरिएंट भी आता है। इसके साथ आपको 1GB की रैम देखने को मिलने वाली है, सो कम प्राइस होने के कारण यहाँ पर इसके फीचर्स भी हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसके अंदर आपको 3000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो इसका बैक कैमरा है वो आपको 8MP का देखने को मिलता है और जो इसका फ्रंट कैमरा है वो आपको 5MP का देखने को मिलता है। तो जो नोकिया 1 के अंदर था फ्रंट कैमरा वो 2MP का था, तो इसके अंदर ज़्यादा है, बट ये आपको एंड्रॉइड के लाइट वर्जन के अंदर देखने को मिलता है, सो आपको लाइट एप्स का ही यूज करना पड़ेगा इसको यूज करने के लिए। ये आपको 4G के सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाता है, आप इसकी स्टोरेज को 128GB के साथ एक्सपेंड कर सकते हो मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करके। 5 इंच की इसके साथ आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, सो फीचर्स काफी कम है क्योंकि 5000 रुपये ही इसकी कीमत है। इसको परचेज करना चाहते हो तो आपको 4500 रुपये से लेकर 5000 रुपये के अंदर ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, बट काफी बार ये जो सभी मोबाइल हैं इनका स्टॉक खत्म हो जाता है, सो आपको वेट करना पड़ेगा नए स्टॉक के लिए। इस लिस्ट का जो तीसरा और लास्ट मोबाइल है वो है लावा Z61। गाइस ये भी एक 4G मोबाइल है और इसका जो प्राइस है वो आपको 5000 रुपये से लेकर 6000 रुपये के अंदर पड़ जाएगा। जो लावा है वो एक इंडियन कंपनी है, 1GB की रैम आपको देखने को मिल जाती है और 16GB की स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है, 5.5 इंच की डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है और 3000mAh की बैटरी भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और जो बाकी के फीचर्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं, एंड्रॉइड ओरियो 8.0 आपको देखने को मिल जाता है, तो बाकी के जो नॉर्मल फीचर्स हैं वो भी इसके साथ आ जाते हैं, मीडिया टेक का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो जो इसका प्राइस है वो 5-6000 रुपए के अंदर ही है। बट गाइस जो इस लिस्ट के अंदर जो सभी मोबाइल बताए हैं इनका स्टॉक बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है, तो ये काफी कम ही आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आपको ऑनलाइन मिल जाए तो आप यहां से भी परचेस कर सकते हैं। तो ऐसे थे वो 3 मोबाइल जो आप 5000 रुपए के आसपास परचेस कर सकते हो। तो गाइस कमेंट करके बताइए कि आपको इन 3 में से कौन सा मोबाइल पसंद आया। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके आप कुछ और पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।